हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील और आप देख रहे हैं फिजिकल एजुकेशन इसका स्टडी। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मैंने 95 से 96 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर दिया है और यहाँ पर फिर से 96 को देख लेते हैं। बास्केटबॉल खेल कैसे आरंभ किया जाता है? तो बाल को उछाल कर किया जाता है। बास्केटबॉल खेल में जो है खेल का आविष्कार जो है 1891 ईस्वी में जेम्स नाइम स्मिथ नामक व्यक्ति ने किया था और इन्होंने ही जो है इंडियन क्रॉस और ब्रिटिश खेल फुटबॉल को मिला के बास्केटबॉल खेल का आविष्कार किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 हो गए, एक्सक्यूज मी। नेक्स्ट है, फुटबॉल में गेंद का वजन कितना होता है? तो फुटबॉल का जो वजन होता है गेंद का जो है 396 ग्राम से 453 ग्राम यानी 14 औंस से 16 औंस तक होना चाहिए। फुटबॉल की जो है परिधि 27 से कम नहीं होना चाहिए तथा 28 इंच से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, भारत ने पहली बार ओलंपिक में कब भाग लिया? तो पहली बार जो भाग लिया था आपको 1928 में जो है आधिकारिक रूप से किया गया था और 1927 में इसका जो है हमारे एसोसिएशन बना था, ओलंपिक एसोसिएशन। ठीक है, तो इसीलिए आधिकारिक रूप को ही मान्य करेंगे। बाकी वैसे तो 1900 से ही एक एंग्लो इंडियन जो है हमारे गए थे, एंग्लो इंडियन नॉर्मन पिचार्ड करके गया था सबसे पहले, तो उसको नहीं मानते। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान समय में कुश्ती का प्रत्येक मुकाबला कितने मिनट का होता है? तो ये होता है आपका 9 मिनट का। ठीक है, और लॉर्ड्स का मैदान कहाँ स्थित है? तो लॉर्ड्स का जो मैदान है आपका इंग्लैंड में स्थित है, इसको देख लीजिए। और ये जो है प्रथम विश्व कप क्रिकेट 1975 का फाइनल मैच खेला गया था यहीं पर, इसीलिए ज्यादा फेमस है। और महान फुटबॉल खिलाड़ी डिएगो मैराडोना किस खेल से संबंधित है या सॉरी किस देश से संबंधित है? तो ये आपका है अर्जेंटीना से है, अर्जेंटीना। और एक बहुत ही महान खिलाड़ी इटली से भी है, ब्राजील से भी एक है। तो चलिए देखते हैं, अभी आर्मेंडो माराडोना है इसका पूरा नाम, डिएगो आर्मेंडो माराडोना। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है द्रोणाचार्य अवार्ड का प्रारंभ हुआ, तो द्रोणाचार्य 1985 में हुआ था। वो बेस्ट जो है आपका प्रशिक्षकों को ये दिया जाता है। ठीक है, और इसमें पहले 2.25 लाख दिए जाते थे, अभी ये बढ़ करके पहले फिर 3 हुआ, 3 के बाद अभी 5 लाख हो गए हैं। ठीक है, सीखना प्रभावित होता है, तो प्रभावित होता है आपका प्रेरणा, प्रेरणा द्वारा। ठीक है, बीच वॉलीबॉल के एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है, तो ये होती है 2 खिलाड़ी बीच जो है रेत में खेलते हैं बीच में। ठीक है, फुटबॉल मैच में जो है थ्रो इन के समय अन्य खिलाड़ी कितने दूरी पर खड़े होते हैं? ये मस्त क्वेश्चन है, तो ये आपके 10 गज के दूरी पर खड़े होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 टीमों के लीग फिक्सर में कुल कितने मैच होंगे? तो जो है 5 टीमों के लीग में ना, लीग मैच का सूत्र क्या है आपका, लीग मैच निकालने का, यहाँ पर क्वेश्चन आंसर हो जाएगा 20 और हम इसको n-1 करेंगे। ठीक है, और एक्सक्यूज मी, तो यहाँ पर आपको ये दिखा दूं मैं आपको जो फॉर्मूला होता है, n n-1 होता है। ठीक है, तो इसको n मतलब नंबर ऑफ टीम कितना हो गया, 5, और यहाँ पर 5-1 तो 4। ठीक है, और यहाँ पर ब्रैकेट निकाल देंगे तो ये इंटू हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 4 × 5। ठीक है, 4 × 5 मतलब आप समझ होंगे, 4 × 5 यानी 4 जो है 5×4=20 यानी 5×20। ठीक है, ये हो जाएगा 20 मैच, तो ये आपका सेकेंड आंसर सही हो जाएगा। ये समझ आ गया हो कैसे निकालते हैं और इजी है एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें विटामिन सी है? तो विटामिन सी आपका हरी मिर्ची में सबसे ज्यादा होता है इसमें। ठीक है, बाकी इसमें भी थोड़ा थोड़ा मात्रा रहता है अदरक प्याज में यार, तो हरी मिर्च में सबसे ज्यादा होता है। अगला क्वेश्चन, जॉन्डिस रोग में निम्न में से कौन सर्वाधिक लाभकारी है? तो इसमें से गन्ना जो है बहुत ज्यादा गुणकारी है, ये इसके लिए अच्छे से अच्छे पीलिया ठीक हो जाता है। किसी खेल में सीखा गया कौशल अन्य खेल को सिखाने में सहायक होता है?
तो उसे कहते हैं, तो इसको कहते हैं सहायक स्थानांतरण। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में पावर प्ले कौन जो है साइड लेता है, कौन सा साइड लेगा, ये बैटिंग एवं जो है बॉलिंग दोनों साइड का होता है। हाँ, 20 ओवरों का ये होता है ना, एक दिवसीय मैच जो है आपका 2020, जिसमें बैटिंग तथा बॉलिंग दोनों टीम पावर प्ले ले सकती है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है, तो ये होता है आपका 8 वर्षों के लिए। बाकी का अन्य जो रहते हैं उनका 4 वर्ष का होता है, इनका 8 वर्ष का होता है। ठीक है, चलिए इसके बारे में और देख लेते हैं। 1994 सॉरी 1894 में पेरिस में गठित हुई अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC में ओलंपिक खेलों का विकास एवं प्रशासन निहित है और इसका मुख्यालय लॉसाने स्विट्जरलैंड में है। वास्तविक समिति में कुल 14 सदस्य थे, किंतु वर्तमान में 70 सदस्य हैं और IOC जो है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष का चुनाव 8 वर्ष के लिए कार्यकाल के लिए होता है और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के अध्यक्ष बेल्जियम के अभी जो है चेंज हो गए हैं। ठीक है, उसको देख लीजिएगा, करेंट अभी चेंज हुए हैं। क्रिकेट खेल में जो है ये पुराने हैं, स्टंप की चौड़ाई होती है, तो ये होता है आपका चौथा आंसर है 9 इंच। और क्रिकेट के एक स्टंप की सॉरी से दूसरे स्टंप के बीच की जो है दूरी 22 गज की दूरी पर सामने की ओर तथा परम जो है परस्पर समानांतर गाड़े जाते हैं। आगे है वॉलीबॉल खेल का समय होता है, तो कितना समय होता है वॉलीबॉल खेल का, ये 10 मिनट का 4 क्वार्टर का होता है। ठीक है, और बास्केटबॉल सॉरी ये बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल कर रहा था, 20-20 मिनट के खेल के मध्य में हाफ होता है और इसका मध्यकाल अवकाश 10 मिनट का होता है। ठीक है, 10 मिनट होगा तो 20 मिनट हो जाएगा, 20 मिनट के बाद बीच में एक और, टोटल 20 मिनट के बाद एक होता है 10 मिनट का मध्य अवकाश। प्राणायाम में रेचक का अर्थ है, तो इसका अर्थ है श्वास को छोड़ना, तीन होते हैं इसका, रेचक, कुंभक और पूरक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आइसोटॉनिक प्रशिक्षण के अंतर्गत आता है, इसको और बता चुके हैं, रोमन रिंग पकड़ना, ये कैसा है इसको? तो इसका आंसर सही है, क्योंकि ये खड़े होकर के दीवार जो है आइसोमेट्रिक हो जाएगा आपका, वेट ट्रेनिंग में भी कोई मूवमेंट नहीं होगा, तो आपका ये भी आइसोमेट्रिक हो जाएगा और यही आइसोटोनिक में आएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइफल पकड़ने में भी आपको मूवमेंट नहीं होता हाथ का, उसका आकार नहीं बदलता, तो ये भी आपका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशिक्षण कार्यक्रम में एथलीट के खुराक में कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए की मात्रा होनी चाहिए, तो ये होगा आपका 60 से 65% कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, लंबी दूरी में प्रथम स्थान के लिए टाई है, दोनों पिछला कूद भी बराबर है, क्या निर्णय होगा, तो इसका जो है निर्णय होगा आपका दोनों को एक कूद का मौका प्रदान किया जाएगा। ठीक है, वृद्धि को प्रभावित करने वाला कारक है, तो यह है इनमें से सभी, अनुवांशिकता, पर्यावरण, जलवायु। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, फास्बरी फ्लॉप स्टाइल किस इवेंट का तकनीक है, तो ये आपका ऊंची कूद का है। ठीक है, हाई जंप का। अब इसमें कितने होते हैं, सीजर, स्टर्न कट ऑफ, वेस्टर्न रोल, स्ट्रेडल रोल, फास्बरी फ्लॉप स्टाइल आदि ऊंची कूद में होता है। वर्टिकल जंप का प्रयोग होता है, तो वर्टिकल जंप में क्या होता है, इनमें से सभी है, बास्केटबॉल में भी वर्टिकल जंप कर सकते हैं, जैसे बास्केट करना है तो वर्टिकल जंप करते हैं, वॉलीबॉल में ब्लॉकिंग के समय आप वर्टिकल जंप करेंगे, रोप जंपिंग भी होता है वर्टिकल वर्टिकली। ठीक है, तो ये सभी है। शारीरिक शिक्षा के पाठ्य विवरण में किस बात का ध्यान रखना आवश्यक नहीं है, तो इसमें धार्मिक आधार पर कोई ये आवश्यक नहीं होता है,
और अभी एक क्वेश्चन आपका व्यापम वाला जो है छत्तीसगढ़ एजुकेशन में आया था, और ये क्वेश्चन को डिलीट करना चाहिए मेरे ख्याल से, बाकी बहुत जने डाल रहे हैं उसका दावा आपत्ति कुछ कुछ अलग अलग टाइप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजिंग ओलंपिक में कुश्ती एवं बॉक्सिंग प्रतियोगिता में भारत ने किस भार वर्ग में 2 कांस्य पदक जीता है? तो ये पुराना क्वेश्चन है, फिर भी इसका आंसर सुशील कुमार 66 किलोग्राम वजन और वीरेंद्र कुमार 75 किलोग्राम वजन में जीते हैं। नेक्स्ट और अंतिम है, किसी टेस्ट के चयन के लिए क्या मानदंड आवश्यक है? तो ये आपका इनमें से सभी हैं, वैज्ञानिक प्रामाणिकता होना जरूरी है, जो है प्रशासनिक दृष्टिकोण में उपयुक्त हो और शैक्षणिक प्रयोग हो। तो चलिए दोस्तों, सबको धन्यवाद, और ऐसे वीडियो को देखते रहिए और ज्ञान को अपना बढ़ाइए। मैं आपके लिए और अच्छा अच्छा वीडियो लाते रहूँगा। थैंक यू, लाइक जरूर कर दिया करिए थोड़ा से मोटिवेशन के लिए। फ्रेंड्स, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू नेक्स्ट अपडेट, प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।